नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा लाइव न्यूज। मैं रवि कुमार गुप्ता। जिला अधिकारी के निर्देशों पर काला बाजारियों के विरुद्ध सख्ती। आलू का खुदरा मूल्य 20 रुपए प्रति किलो और प्याज का 28 रुपए प्रति किलो निर्धारित। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए बिहार में पूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन जीवन यापन एवं रोजमर्रा की चीज़ों तथा अनिवार्य सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन के नाम पर सामानों की कृत्रिम कमी बता करके कतिपय व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी का धंधा शुरू कर दिया गया है। इसकी शिकायत मिलते ही जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सभी अनुमंडल अधिपदाधिकारी एवं सभी पणन पदाधिकारियों को कालाबाजारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के आलोक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कालाबाजारियों के विरुद्ध धरपकड़ कार्रवाई प्रारंभ कर दिया गया है। खासकर खाद्य सामग्री, आलू, प्याज, सब्जी आदि के विक्रेताओं के द्वारा ही ऊंचे दामों पर सामान बेचने की शिकायत मिली है। इन व्यापारियों को ही पहले टारगेट किया गया है। इन्हें उचित मूल्य पर ही सामानों की बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आलू प्याज का खुदरा मूल्य भी उनके दुकानों में प्रदर्शित किया गया है। आम उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि निर्धारित मूल्य के अधिक कीमत वसूले जाने वाले व्यापारियों की सूचना तुरंत दे। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय गुप्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, एमओ सदर आदि द्वारा दरभंगा नगर में कार्यरत व्यापारियों के स्टॉक की जांच किया गया। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति में सभी गल्ला व्यवसायियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक सामग्रियों की उचित दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। वहां उनके स्टॉक की जांच की गई। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मांग वाली वस्तु आलू प्याज का थोक एवं खुदरा दर का भी निर्धारण किया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आलू का खुदरा मूल्य 20 रुपये प्रति किलो एवं प्याज का खुदरा मूल्य 28 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं आलू एवं प्याज का थोक दर क्रमशः 1600 रुपये क्विंटल एवं 2300 रुपये क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं पूरे शहर में माइक द्वारा उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं की बाजार में कोई कमी नहीं है, आम उपभोक्ता पैनिक ना हो। प्रशासन द्वारा रोजमर्रा की आवश्यकताएँ, वस्तुएँ एवं अनिवार्य सेवाओं की पहुँच सुगम करने के लिए तत्पर है। सही खुदरा सब्जी विक्रेताओं एवं किराना दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि आलू का अधिकतम खुदरा मूल्य 20 रुपये प्रति किलो तथा प्याज का अधिकतम खुदरा मूल्य 28 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। यदि इससे अधिक मूल्य पर कहीं भी बिक्री की जाती है तो वैसे विक्रेता दंड के भागी होंगे तथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।